हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्ट स्टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पे। स्कॉर्पियोज, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर आप लोग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड आउट। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन्स आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्कॉर्पियो, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यिन एनर्जी और जर्नी नंबर 10 और नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई थिंक स्पेशली आपके लव लाइफ में ये चीज़ है, बट ये लव छोड़ के कुछ भी हो सकता है जैसे आपको ज़्यादा रेजोनेट करे। समथिंग इज़ कमिंग टू अ कम्प्लीशन, लाइक आप कुछ फाइनली कम्प्लीट करने जा रहे हो, आप फाइनल डिसीशन लेने जा रहे हो, फाइनल जजमेंट आप लेने जा रहे हो। एंड ये कोई रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मुझे इसी लड़के से या इसी लड़की से शादी करनी है, या मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, या मुझे अगर ये कोई करियर है तो मे बी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसी जगह पे सेटल होना है, या मुझे ऐसे टाइप का जॉब करना है। सो देयर इज़ समथिंग जो बहुत स्पेसिफिकली आप डिसाइड कर रहे हो कि यही चीज़ मेरे लिए सही है, या यही मैं करना चाहता हूँ, या यही पे मैं रहना चाहता हूँ, वॉट एवर इट इज़। बट आप बहुत स्पेसिफिकली एक जजमेंट, एक डिसीजन ले रहे हो एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट सा डिसीजन है, लाइक ये आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन है, ये कोई मामूली रोज़ का डिसीजन नहीं है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आपने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि आप कुछ नया शुरू कर सको। मे बी आप शादी करने वाले हो जिस वजह से आपने डिसाइड किया है कि हाँ मैं यहीं जगह पे अपना घर बनाना चाहता हूँ। आप मे बी करियर में कहीं पे सेटल होना चाहते हो ताकि आप अपने फैमिली के करीब रह सको, या ऐसा कुछ। सो देयर इज़ समथिंग जो आप डिसाइड कर रहे हो ताकि आपका आगे का समय आप कुछ नया शुरू कर सको, बिकॉज आपको मन है कुछ शुरू करने का, चाहे वो एक मैरिज हो, एक बिजनेस हो, एक करियर सेटअप हो, या कोई भी चीज़ हो, एक लाइफस्टाइल ही क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि अगर मैं इस जगह पे रहूँ तो मेरा लाइफस्टाइल पहले से बेटर होगा, या मेरा ज़िंदगी किसी भी तरह से बेटर हो सकता है, या वॉट एवर। सो देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आप कुछ नया शुरू भी करने जा रहे हो, अक्टूबर में ही कर रहे हो, एंड साथ साथ आप एक फाइनल डिसीजन या जजमेंट ले रहे हो ताकि आप ये नया शुरुआत जो है इसे बहुत ही खूबसूरती से कर सको, आराम से, सुकून से कर सको। ऑल्सो ट्रैवलिंग आपके लिए आ सकता है विद दैट जर्नी एनर्जी, एंड ऑल्सो आप अपने फेमिनिन साइड ज़्यादा महसूस करोगे। फेमिनिन साइड इन द सेंस कि आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, फिर आप चीज़ों को बहुत ही गहराइयों से देखने लाइक देख पाओगे। कोई भी चीज़, कोई भी कनेक्शन, कोई भी इंसान आपको बहुत गहराई से आप समझोगे, आप देखोगे, आप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस करोगे लाइफ को, ठीक है। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन हियर। We have two cards, the Emperor, Page of Cups. Okay. First of all, आप करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजिशन एन्जॉय करने वाले हैं। सो इस टाइम पे आप देखेंगे कि अगर नहीं लाइक आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ आपके प्लान के अनुसार हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर आपका एक स्पेसिफिक कंट्रोल है, आप चीज़ों को पहले से जज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, लाइक आप बहुत ही सिस्टमैटिकली, आप बहुत ही
प्लान्ड या स्ट्रैटेजिक तरीके से अपना अक्टूबर फर्स्ट हाफ बिताओगे अपने करियर रिलेटेड चीज़ों में? लाइक लोग शायद आपके पास आ सकते हैं फॉर एडवाइस, मे बी आप एक टीम लीडर है या आप किसी लीडरशिप रोल में काम कर रहे हैं, या लोग आपको एक लीडरशिप लाइक एक लीडर के नज़रिए से देखेंगे कि आप एक लीडर है. सो आप अगर लीडर नहीं भी हो, अगर आप एक टीम मेंबर हो अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में, लोग काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को फील करेंगे एज अ लीडर कि इस इंसान को पता है. लाइक स्कॉर्पियो हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता सकता है, या स्कॉर्पियो के पास इस टीम में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, या स्कॉर्पियो के पास एक्सपीरियंस है. तो लोग आपके पास आएंगे फॉर हेल्प, फॉर सजेशंस, फॉर आई डोंट नो लाइक ऑर्डर. बट आप एक ऐसा टाइम स्पेंड करेंगे अक्टूबर में जहाँ पे आपके लिए अपना काम करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो या तो आप जिन क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो या जो स्टडीज़ आप कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इजी हो गया है. आपको लग रहा है कि हाँ, ये करते करते आप बहुत ही लाइक उसे कंट्रोल में ला चुके हो, या फिर आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको कुछ बहुत बड़ा सा प्रूव करना है या बहुत बड़ा काम करके दिखाना है, या आपको 24 घंटा प्रेशर में रहना है. वो एंजाइटी या वो प्रेशर नहीं होगा. सो आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस होगा, आपको थोड़ा सा बेटर महसूस होगा व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, बिकॉज आप सैटिस्फाइड होंगे. आपको लगेगा कि हाँ, जैसा जो चल रहा है वो उससे मैं खुश हूँ, उससे मैं सैटिस्फाइड हूँ. सो आपका करियर काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देगा. एंड ये स्टेबिलिटी मुझे पैसों से या मनी से ज़्यादा आपका मेंटल सैटिस्फैक्शन के रूप में दिख रहा है कि आप मेंटली बहुत खुश या सैटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, मैं स्टेबल हूँ, या हाँ, मेरे पास ये है वो है, या चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है ऐसे. ठीक है, नाउ लेट्स सी योर लव सिचुएशन फॉर अक्टूबर फर्स्ट हाफ. स्कॉर्पियोज, वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स. फॉर अ लॉट ऑफ यू एक नया कनेक्शन आने वाला है, स्पेशली जो सिंगल्स हो, या अपने ऑप्शंस आपने ओपन रखा है, या फिर ऑप्शंस अगर नहीं भी ओपन रखा है, ये कनेक्शन बहुत ही सडनली आ सकता है. एंड फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन शुरू होगा एज अ लॉन्ग डिस्टेंस, या ये पर्सन मे बी किसी और लाइक किसी और कैटेगरी के है. लाइक मे बी आप और इस पर्सन के बीच में बहुत ही डिफरेंसेस है, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी डिफरेंट है दोनों में. ठीक है, आप दोनों सेम जगह से नहीं आते हो, आप दोनों सेम टाइप के नहीं हो. ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. ठीक है, दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट ये शुरू होगा विद अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, या विद अ लॉट ऑफ लाइक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप एक दूसरे से बात करते करते ये रियलाइज़ करेंगे दैट यहाँ पे कुछ हो सकता है, या आप दोनों जो बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एक रिलेशनशिप में टर्न आउट कर सके फ्यूचर में. सो व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर इज़ दैट दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे स्कॉर्पियोज आप लव में थोड़ा सा कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, या तो ये नया पर्सन के साथ, या फिर जो लोग किसी से डील कर रहे हो, इट्स इन टर्म्स ऑफ कुछ नया. लाइक मे बी आप कहीं पे जा रहे हो जो पहले कभी नहीं गए, मे बी आप लोग लाइक बहुत समय के बाद मिल रहे हो, या बहुत समय के बाद आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है. सो देर इज़ समथिंग न्यू टू दिस. मे बी आप लोग एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, मे बी आप लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो एक दूसरे के साथ, एंड वो आप दोनों का एक नया सफ़र है, वो आप दोनों का एक नया चैप्टर है. सो वैसे भी कुछ नया हो सकता है, बट वॉट आई एम सीइंग इज़ देर इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ कमिंग फॉर योर लव सिचुएशन. ठीक है, एंड इस समय कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ये इसलिए हो क्योंकि कोई दूर गया है ड्यू टू वर्क और मे बी फैमिली और ट्रैवल और वॉट एवर. सो इस अक्टूबर में एक लॉन्ग डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है. आप ऐसा भी देख सकते हो कि यू नो कि आप लोग ऐसे तो साथ हो, बट अक्टूबर के लिए मे बी मिलना या
एक सिटी में आप नहीं हो या एक कंट्री में आप नहीं हो, ऐसा हो सकता है. बट एनी वेज, कम्युनिकेशन इज समथिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, एंड कम्युनिकेशन वो चीज़ है अक्टूबर में जो आप दोनों को बांध के रखेगा. ओवरऑल स्टेबिलिटी वाइज सब कुछ सही रहेगा. आप लोग सेम एनर्जी सेम इमोशन ही यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. जो लोग नो कांटेक्ट वगैरह में हो, या तो आप कंप्लीटली मूव ऑन करने का डिसीजन लेंगे एंड आप अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे, या तो इस पर्सन के साथ आपका कुछ नया फिर से शुरू हो सकता है एंड ये शुरू होगा थ्रू कम्युनिकेशन. सो इस समय आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आपके डेटिंग एप्लीकेशंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यही सब के थ्रू आई थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं या करने के सबसे ज़्यादा चांसेस है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू. बट एनीवेज आपके लव लाइफ में कुछ नए नए चेंजेस आएंगे जो आपको काइंड ऑफ अच्छा ही महसूस करवाएगा. इट विल टर्न इंटू समथिंग गुड ओनली. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.